मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। जो एक ह्यूमन है और कंप्यूटर है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, डिफरेंस देखो यही है, जो ह्यूमन है कोई भी मिस्टेक कर सकता है, हम काम करते करते कभी थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता। वो रूटीन में काम हो चाहे डे नाइट, तो कितना भी हम काम उससे करवा सकते हैं, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा शार्प होती है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स कौन से हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप आपको देखा ही, जैसे हमारे लैब में बने हुए कंप्यूटर्स जो हैं, ठीक है, जब या फिर सारे बैंक्स वगैरह में ऑफिस वगैरह में होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो टेबल के ऊपर होते हैं। लैपटॉप्स कौन से होते हैं, जो अटैचिंग की तरह बंद हो जाते हैं, उनको हम कहीं किसी भी जगह पर कैरी कर सकते हैं। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स हैं बेटा, आप घर में ही आप कहीं पर वीडियो वगैरह खेलने में भी यूज़ करते हो, जो स्मार्टफोन जिसकी आपको क्लास लगती है आपकी, वो आपके क्या है, स्मार्टफोन्स। और साथ में इसके टैबलेट भी होते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर है उसमें हम क्या क्या उसके यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, पता ही है आपको कंप्यूटर देखो कई जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट्स पर, मतलब हर जगह पर उसकी अलग अलग नीड है। जैसे हम स्कूल में यूज़ करते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, आपको सिखाने के लिए, और रेलवे पर सारा रिकॉर्ड रखते हैं, रिजर्वेशन होती है उसके थ्रू। ठीक है, तो इसकी नीड आजकल हर जगह पर होती है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स, मतलब जब ह्यूमंस हैं तो कंप्यूटर्स की नीड क्यों महसूस हुई, कंप्यूटर का हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट में देखो दिया हुआ है एक बच्चा जो बिल्कुल साइलेंट होके बैठा है। अ ह्यूमन गेट्स टायर्ड एंड नीड रेस्ट, जो ह्यूमन है जैसे आप हो, आप काम करके थक जाते हो, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी नहीं थकता। ठीक है, वो कितना भी हम उससे दिन रात जितना मर्जी काम ले, लेकिन वो कभी भी टायर्ड नहीं होता। एंड नेक्स्ट, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर, जो ह्यूमन है वो उस तरह से काम नहीं कर सकता, मतलब हम ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करते हैं, वो स्पीड में काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा फास्ट में करेंगे तो कई बार हमारे से मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में कोई मिस्टेक नहीं होती, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको वो वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ आई ह्यूमन कैन स्टोर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बट ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो ह्यूमन है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कई बार हम कुछ याद करते हैं, जैसे आप काम याद करते हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है आप टेस्ट में भूल जाते हो, तो फिर प्रॉपर आपको कभी भी याद नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है, कितना भी हम डाटा फीड करें वो उसी तरह से हमारा सेव रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते। ए ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स, जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, कई बार काम करते करते हमसे गलती हो जाती है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी भी गलती नहीं करता। नेक्स्ट, ए ह्यूमन कैन थिंक कैन टेक डिसीजंस, जो ह्यूमन है वो डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आप सोच सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, भी आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कुछ नहीं सोच सकता अपनी तरफ से। इट वर्क्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर्स, जैसे ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो वैसे ही काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ आई ह्यूमन हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ह्यूमन्स की जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे आप रोते हो, हंसते हो, लेकिन कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, कंप्यूटर की खुद की कोई भी फीलिंग नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपको सामने शो हो रहा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिगिन साइज, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। एंड आर कैप्ट ऑन ए डेस्क, एक मतलब टेबल के ऊपर हम इनको रखते हैं। कैन नॉट बी इजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे स्कूल में भी हैं या कोई ऑफिस वगैरह में भी होते हैं। नेक्स्ट इज द लैपटॉप्स, जो लैपटॉप है, लैपटॉप कंप्यूटर आर स्मॉल देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, बेटा देखे होंगे ये आपने, आपके घर में भी होंगे ये लैपटॉप कंप्यूटर्स, हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक अटैची की तरह हम इसको बंद करके ले जा सकते हैं, तो ये उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर के जरिए ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स,
टैबलेट्स कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन लैपटॉप. अब लैपटॉप से भी जो आगे छोटे मतलब स्मॉल होते हैं वो होते हैं टैबलेट्स. दे डोंट नॉट हैव ए कीपैड और माउस. इसके ऊपर कीपैड या माउस नहीं होता. साथ में इसकी टच स्क्रीन हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन लेट यू मेक कॉल्स सेंड मैसेज. अगर हमने कोई भी मैसेज करने हैं कॉल करनी है गेम्स खेलनी है तो सभी के लिए यूज़ होते हैं जैसे आप भी करते होंगे. दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स. इसे हम स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स कहते हैं. बट मैं आपको दिखा रही हूँ देखो पिक में ठीक है. टैब्स या स्मार्टफोन्स वो इसी कैटेगरी में आते हैं. बेटा ये हमने सारे कंप्यूटर्स के लिए डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट्स ठीक है. ये सभी क्या है एक सिंगल कंप्यूटर ही इसको सिंगल पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम ठीक है. इसलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं. इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीसी. थैंक यू बेटा. हैव ए नाइस डे.